लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन सभी के मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा कब। इस बीच अब खबर है कि आम चुनावों की घोषणा इसी हफ्ते के अंत तक हो सकती है। चुनाव आयोग के अनुसार आयोग ने तैयारी भी पूरी कर ली है। चुनाव पूर्व मीटिंग का दौर भी 13 मार्च तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इस बार भी आम चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अलग अलग राज्यों का दौरा भी कर चुका है। आयोग 11 मार्च से 13 मार्च तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहा था। इस दौरान चुनाव आयोग ने भी आकलन कर लिया है कि राज्य में चुनाव कब हो सकते हैं। इस दौरे के बाद लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान होने की जल्द ही संभावना है। 2019 के आम चुनाव की तारीख 10 मार्च को घोषित की गई। 7 चरणों में चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच हुए थे, जबकि मतों की गिनती 23 मई को ही थी। अधिकारी के अनुसार बोर्ड परीक्षा, त्यौहार और सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता को देखते हुए चुनाव की तारीखें तय की जा रही हैं। चुनाव की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इस चुनाव में लगभग 97 करोड़ वोटर वोट देने के लिए योग्य होंगे। आयोग के अनुसार इस बार मतदाताओं की भागीदारी को तय करने के लिए आयोग कई बड़े कदम उठाएगा। पिछली बार 67.1% वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के भी कार्यक्रम लगे हैं, लेकिन सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या चुनाव आयोग जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के बाद इस बारे में चर्चा और भी तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो आयोग लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने के विकल्प पर भी विचार विमर्श कर सकता है। इस बीच चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से खाली सीटों को भरने के लिए 15 मार्च तक 2 चुनाव आयुक्तों के नियुक्त होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि चयन समिति सदस्यों की सुविधा के आधार पर 14 या 15 मार्च को बैठक कर सकती है और नियुक्तियां 15 मार्च तक होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को सभी 60 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू एक बार फिर मुक्तो सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले दिनों हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 60 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों को हरी झंडी दी गई है। 19 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को राज्य में 41 सीटें हासिल हुई थी, जेडीयू को 7, कांग्रेस की अगुवाई और अली यूपीए को 4 और पीपीए को 1 सीट मिली थी। बहरहाल सबकी निगाहें अब आदर्श आचार संहिता की तारीखों को लेकर है कि कब वो लागू होगी और कब लोकसभा चुनावों का ऐलान होगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा को लेकर के भी सस्पेंस बरकरार है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।